नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। लखनऊ से है जहां 22 अगस्त को जल शक्ति और सिंचाई विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का नाम सुनो किसान हम है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे और साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए वो सिंचाई से जुड़ी कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉक्टरों की कमी सिर्फ अयोध्या में नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में है, जिसके लिए चिकित्सक अवकाश प्राप्त है। उन्हें फिर से सेवा मिलना का अभियान सरकार ने चलाया है। हमारा प्रयास है प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा, और इस दिशा में न केवल पूरा बाजार, न केवल अयोध्या जनपद बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर के बहुत गंभीरता से डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे हम इसको और बेहतर लगातार बनाने का प्रयास करें। खबर देवरिया जनपद के पीपरपाती ग्राम सभा से है जहां आंगनबाड़ी के मिड डे मील में बन रहे खाने को लेकर खबर चलाई गई थी, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही है। इस पर भड़के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार से अभद्रता की, साथ ही मारपीट का भी प्रयास किया, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दो दिनों पहले मैंने देवरिया जनपद की पीपरपाती ग्राम सभा के आंगनबाड़ी केंद्र के मिड डे मील के भोजन के बारे में खबर को लेकर उजागर किया था, जिसमें कि मीनू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। जिस खबर को लेकर मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र नाथ जी से मैंने संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जाँच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। आज पुनः मैं जब उस विद्यालय पर पहुंचा मीनू चेक करने के लिए, देखने के लिए कि आज का भोजन क्या है, तो वहां पर लाठी डंडे से लैस होकर आंगनबाड़ी केंद्र जो आंगनबाड़ी है उनके परिजन आ गए, मारपीट करने पे आमादा हो गए। ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। खबर औरैया के अरवा कटरा थाना क्षेत्र से है जहां धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई। आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष और थाना स्टाफ ने पूजा अर्चना कर जन्माष्टमी मनाई। वहीं थाना परिसर में ही सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई, साथ ही भक्त गीतों के साथ मनमोहक झांकियां भी दिखाई, जिसके बाद थाना परिसर में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ने भजन कीर्तन सुना और वहीं भजन कीर्तन सुनने आए भक्तों ने भी तालियां बजाकर कलाकारों का मनोबल बढ़ाया। खबर गोरखपुर से है जहां यूपी के मोस्ट वांटेड माफिया के लिस्ट में शामिल बाहुबली माफिया विधायक राजन तिवारी को फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया है। वहीं जेल अधिकारियों के मुताबिक प्रशासनिक आधार पर उसका ट्रांसफर दूसरी जेल में किया है और राजन की कोर्ट में पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आपको बता दें कि राजन तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट में 60 से ज्यादा एनवीडब्ल्यू वारंट जारी हुए थे, जिसके बाद वो 17 साल से इस मुकदमे में फरार चल रहा था। खबर कानपुर के रावतपुर गांव से है जहां जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे कर सभी घरों में क्लोरीन की गोलियों और ओआरएस वितरण करने का आदेश दिया और 24 घंटे के लिए मेडिकल कैंप खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपर नगर आयुक्त को सारे क्षेत्र में अभियान चलाकर सफाई कराने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद वहां के लोगों से जलकल विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले टैंकर के पानी का प्रयोग करने की अपील की। डायरिया फैलने की खबर कल से हम लोगों के पास आई है और हम लोगों ने कल भी टीम भिजवाया था, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और हमारे जो एसीएम और नगर निगम के टीम को कल भी भिजवाया था। आज भी हमारे पास सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ घरों में और लोग ऐसे हैं जो अभी डायरिया से अफेक्टेड हैं। हम लोग अभी नगर निगम और मेडिकल डिपार्टमेंट और हमारे मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ साफ़ सफाई से रिलेटेड कुछ बिंदुओं को यहाँ पर उठाया है,
उसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि ये तत्काल टीम लगा करके यहाँ पे लगातार साफ सफाई सुनिश्चित कर। खबर सोनभद्र के रेणुकूट से है, जहां स्कूलों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि शिक्षिकाओं ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर विद्यालय परिसर को सजाया, जगह जगह दही हांडी लगाई, साथ ही बच्चों ने कई गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी को जन्माष्टमी की बधाई दी। खबर औरैया से है, जहां सदर तहसील परिसर में लेखपाल संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी दर्ज कराई एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना जांच के ही लेखपालों पर मुकदमा दर्ज किया। हमारे यहाँ तहसील दिवस में एक प्रार्थना पत्र आया था जो नाली और चक्रों की पैमाइश का था। उसमें हमारे क्षेत्रीय लेखपाल आलोक साहब व साथ में जो पूर्व लेखपाल थे नीलेश कुमार साथ में पैमाइश करने गए थे मौके पर। जब पैमाइश हुई वहाँ चिन्हांकन किया, उसके बाद जो अराजक तत्व थे उनके द्वारा अवधत्ता की गई, मारपीट की गई, उन्हें अभिलेख मार दिए गए। हमारे साथियों के साथ जो बीकमपुर में अराजक घटना हुई, जिसके खिलाफ हमारे उत्पाद साहब ने बिना अनुमति के हमारे विभाग अध्यक्ष लिए हुए एफआईआर दर्ज कर दी। इसके बाद हमारे द्वारा जो एफआईआर लिखा है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस कारण हम लोग आक्रोशित हैं। इस कारण हमने एक दिन से यह धरना प्रदर्शन दिया है। तहसील औरैया में तहसील दिवस पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र ग्राम बीगमपुर का दिया गया था, जिसमें तहसील दिवस का निस्तारण करने के लिए ग्राम बीगमपुर में क्षेत्रीय लेखपाल आलोक कुमार साहब, सहयोगी लेखपाल श्री नीलेश कुमार निस्तारण करने के गए थे। लेखपालों के द्वारा वहाँ पर नाली चक्रों की पैमाइश करके निशानदेही की गई, लेकिन अवैध कब्जेदारों के द्वारा उस निशानदेही के विरोध में हमारे दोनों साथियों के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई, अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। खबर अकबरपुर से है, जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास कोसों दूर है। जलभराव और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए जल निकासी की समस्या के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही संक्रमित बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। कई बार इस मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये रास्ता कम से कम 15 साल जो मुझे याद है, कम से कम 15 साल से रास्ता ऐसे का ऐसा ही है। लगभग ये तीसरी प्रधानी है जिसमें ये व्यवस्था ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस मामले को लेकर कहीं शिकायत हुआ? इस मामले को लेकर लगभग हम 5 साल से शिकायत कर रहे हैं। जो है इस पर आख्या जो लगती है उसमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, अगली बार करा दिया जाएगा, लेकिन ये आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसका साक्ष्य मेरे पास है, लोगों की आख्या का रिपोर्ट जो है वो मैंने रखा हुआ है। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म महोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में से 2 श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद स्थिति को गंभीरता से लेते हुए आगरा एडीजी ने मंदिर पहुंचकर मंदिर का निरीक्षण किया। वहीं इसके बाद ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाकी बिहारी जी टेम्पल पर कल रात में जो हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा हुआ, इसमें अभी तक कुल 2 लोगों की डेथ हुई है, 2 श्रद्धालुओं की डेथ हुई है। 2 श्रद्धालु जो हैं अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है, और 3 लोग वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 श्रद्धालु ऐसे थे जो उससे अफेक्ट हुए थे, और उसमें से 3 डिस्चार्ज हो गए हैं, 2 अभी हॉस्पिटल में हैं और 2 की डेथ हो गई है।
खबर औरैया से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने वाले स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। दरअसल फफूंद स्वास्थ्य केंद्र पर एक मरीज को लेकर यूपी नहीं दिल्ली की एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मामला दर्ज कराया। वहीं से पूरे मामले ने नोडल अधिकारी का कहना है कि हमारी गाड़ियों में जब फॉल्ट आ जाता है तो कंपनी बैकअप में गाड़ियां भेज देती है। ऐसा है कि गाड़ी जब हमारी गाड़ी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कंपनी जो है गाड़ी उसके बैकअप में गाड़ी भेजती है, तो गाड़ी जो उसकी बैकअप में आ जाएगी। मामला संज्ञान में आया कि एक एम्बुलेंस है, दो एम्बुलेंसेज हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर तो यूपी का है लेकिन उस पर दिल्ली सरकार का स्टिकर लगा हुआ है और ये संचालित हैं अपने यहाँ, तो उसके संज्ञान में, मामला संज्ञान में लेते हुए उसकी जो है FIR कराई गई है। खबर आ रही है कि अजीतमल कोतवाली क्षेत्र से है, जहां नेशनल हाईवे पर एक अधेड़ की गाड़ी से टक्कर होने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की पर अभी तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। अजीतमल क्षेत्र के गढ़िया पुल के पास में हाईवे पर आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष किसी अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर लग जाने से डेथ हो गई। मौके पर जाके पुलिस तत्काल पहुंची, जिसमें पहचान कराने के प्रयास किया गया लेकिन पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद जो है पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर हरदोई के बिलग्राम कोतवाली से है, जहां एक शराबी के हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शराबी पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए नजर आ रहा है। वहां मौजूद थाना प्रभारी ने शराबी को समझाने की काफी कोशिश की, जिसके बाद भी शराबी शराब पीकर कोतवाली में गाली गलौज और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रहने वाले सखे हैं थाना सांडी के, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो अपने ड्यूटी पर थे, इसी दौरान अशोक जो नाई का काम करता रहने वाला जरूरी से टूटा है, वो ड्यूटी पर थे, उनसे गाली गलौज किया और शराब के नशे में था, आने जाने वालों से गाली गलौज कर रहा था और उनके सरकारी कार्य बाधा डाला है। इस सूचना पर पुलिस ने उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया है, अन्य आवश्यक विधिक आरोप द्वारा किया है। खबर फरुखाबाद के अमृतपुर तहसील से है, जहां डीएम और पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आम जनता की समस्या सुनी गई है, साथ ही उनका निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान उनके साथ सीएमओ सीओ समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही फर्जी निस्तारण पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। आज टोटल सब 71 मामले आए संपूर्ण समाधान दिवस में, इसमें 50 जो हैं रेवेन्यू से रिलेटेड थे और बाकी अन्य विभाग से। निस्तारण सर कितनों का हुआ है? 8 के निस्तारण। दूसरा सर, यहाँ पे लगभग एक महीने पूर्व अभी समाधान दिवस था तो उसमें सीडीओ मैडम आई थी, कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने कहा था कि CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, क्या स्थिति है आपका, उस पर क्या आदेश है? अगर नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा सर, मैं इसको दिखवाता हूँ और लगना तो आवश्यक है, लगेगा। ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां ओमैक्स मॉल में चल रहे कोरियन रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से बियर पिलाई जा रही थी। वहीं आबकारी विभाग ने मौके पर पहुंचकर 116 इंडियन बियर और 30 कोरियन बियर बरामद की, साथ ही दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक कोरियन और एक इंडियन है। प्रयागराज के कोराव थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात हमलावरों ने घर के अंदर घुसकर 23 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी। वहीं युवती की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस इलाके के महाराणा प्रताप चौक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ई रिक्शे में बैठने को लेकर होमगार्ड के ई चालक से मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। वहीं पूरे मामले को लेकर SP ट्रैफिक को जांच सौंप दी गई है, साथ ही आश्वासन दिया गया है कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर होमगार्ड के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जो अभी हम अपने अधीनस्थों से जो सूचना प्राप्त किए हैं उससे आनंदपाल नाम के एक गार्ड हैं जिनके द्वारा लोको सेट पुल के पास ये जो रिक्शा चालक है इससे जो है मारपीट की गई है और इस प्रकरण की जांच के लिए मैंने अधिकारी नियुक्त कर दिया है और शीघ्र ही जांच करके और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कब का मामला बताया जा रहा है? ये कल रात्रि का मामला है और इसको संज्ञान में आते ही जो है हमारे स्तर से जो है जाँच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है और पूरा प्रकरण जब जाँच के बाद पता चलेगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।